कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड ये हैं चलगोज़े, मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे और मैंने ये छील छील के आधे खा लिए हैं, आधे रह गए हैं। तो छिलके नहीं खाए, चलगोज़े खाए हैं मैंने निकाल निकाल के। और खाने के साथ तो बंदे को थोड़ी खुशी होती है, ताकत मिलती है। ये देखे मैंने कितने खा लिए हैं, और मेरे नाखून की हालत देखे, ये देखे इसमें तो सही साफ ही नहीं नाखून नज़र आ रहा। तो मेरा नेल सारा टूट गया है, तो छीलना बहुत मुश्किल है। तो ये गाइस बताने का मकसद ये है कि ये मैंने ना मंगवाए हैं, जिस किसी ने भी मुझे मंगवा के दिए हैं तो उसमें बहुत सारे ख़राब निकले हैं, बहुत सारे जले हुए हैं। तो महंगे भी इतने आए हैं, 5000 पे, 5000 का पैकेट मिला था। तो गाइस और सुनाएं कैसे हैं, मेरी वीडियो आप प्लीज़ देखा करें, मैं रोज़ व्लॉग बनाती हूँ। तो सारे कहते हैं कि आप अपनी ज़बान को चेंज कर लें ताकि आपके व्लॉग को ज़्यादा पसंद किया जाए, मतलब आप ना अपनी ज़बान में बोलें दूसरी डच ज़बान, उसको डच भी कहते हैं, पटवारी के पता नहीं कौन सी ज़बान कहते हैं। तो हमारे गांव के लोग बहुत सारी ये ज़बान बोलते हो कि क्या करने हो, कुदर जुले हो। मैं और इस ज़बान से थोड़ा जहा बोल दी हाँ कि तुसा मेरा व्लॉग पसंद कराया करो, तकिया करो ताकि कैसा लग्या तुसा की। तो मैं बहुत मुश्किल ना व्लॉग बनानी आ, बड़ी बहुत मेहनत करनी आ। तो मुझे ये वैसे भी थोड़ी सी ज़बान आती है, ज़्यादा तो नहीं आती है, हमारी फैमिली में बोली जाती है। और जो हमारे बाहर के लोग हैं, जो बाहर गए हुए हैं हमारे रिलेटिव, वो भी बोलते हैं। तो गाइस ये ज़बान किसको पसंद है, क्या मैं व्लॉग पंजाबी में बनाऊँ या उर्दू में? तो मेरे बच्चों को ये ना ज़बान पसंद बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें तो बिल्कुल बोलनी भी नहीं आती, तो मैं तो फिर भी बोल लेती हूँ। तो कहने ना मकसद है वह माड़ा कि तुसा मेरी वीडियो पसंद करने हो तो लाइक भी करी छोड़िया करो ताकि मिगी पता लगी जाए कि माड़ी वीडियो तुसा किन्नी पसंद करने हो। तो उम्मीद है मनु बहुत खुशी होएगी, मुझे मतलब पता है, मैं उम्मीद करनी हाँ कि माड़ा व्लॉग ना ज़्यादा ज़्यादा फेम मतलब हासिल करेगा। नहीं मैं भूल गई हाँ मतलब मेरा व्लॉग जो है ना ज़्यादा ज़्यादा एक दिन कामयाबियाँ अता करेगा, बहुत ज़्यादा इसको ना मतलब क्या कहते हैं फेम मिले, फेम के अलावा वो उसको उस ज़बान में क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर सी, माड़ा व्लॉग बहुत तरक्की कर सी। तो और क्या हूँ मैं याद करिए ना तो व्लॉग को जारी रख सा। नमाज है ना टाइम हो गया तो मैं नमाज़ पढ़ी के ना फिर पढ़ी के तो फिर मैं नाल नाल तुसा नाल व्लॉग नाल गलां बासा, जे मिकी अच्छी की ज़बान तो फिर मैं गलां बासा, जे ना अच्छी तो फिर ना मैं बोलनी। तो इधर साढ़े घर बच्चे आए हुए इन्हों, ये बच्चे बहुत सियाने इन्हों, माड़ी धी को पुछने पे मसले करने पे कि असा निके निके रोज़ियां झूठ बोलने तो क्या असा ने गुनाह बहुत सारे हो जासन, अल्लाह असा की माफ़ कर सी या नहीं कर सी। तो ये ज़बान मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि बोलूँ पर मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर ते आ गई तो फिर बोली किनसा, अगर ना आई तो फिर सॉरी। ये पंगा मैं ही किंदा है तो मैं हूँ या आ रोसा तो या पा रोसा, ये तक ना बच्चे बैठे हुए गप्पा लाने पे ते गल्लां बाणे पे मसले मसाइल पूछने पे ते करने पे। नमाज पढ़ी किंदी ये तको माड़ा चूल्हा सारा दिन बाहर पे पिया सी, ये आखना सी माड़े च अगे कौन जलाने, तो मैं अग जलासा तो पकौड़े बनासा चूल्हे माड़े नी शक्ल तको पहले मैं तको सरकारा मैं अग बाली किंदी तो पकौड़े कढ़ने शुरू करी किंदे। बहुत मुश्किल है जबान, ये तो जबान ही माड़ी प्रति ही तो भुली जानी आ कै अगे बाणा तो कै ना बाणा, तो हूँ माड़ा हाथ भी जली गया इस जबाना ने चकरे, तो यह तको मैं पकौड़े इन्ने कढ़ी छोड़े। तो हूँ मैं आदमी अपनी असली हालत च कि माड़े को नहीं बोली बोलन होनी माड़ी, तो जबान ना लगता तेड़ी मेरी तो मूँह ही तेड़ा हो। कुड़ी नमाज पढ़नी पी तो मिकी थोड़ी जी जबान जी याद आई है तो मैं बोला ये कुड़िए माड़े वास्ते दुआ करी बहुत सारी, माड़ा व्लॉग ना ज़्यादा ज़्यादा मशहूर होए तो ज़्यादा इस लाइक किया जाए, सबसक्राइब किया जाए, तो माड़ी वीडियो ना अरूजा तो जाए, तरक्या करे बहुत सारी अगे। रोज़े ना टाइम हो गया तो मैं इस व्लॉग की इतें ही ख़त्म करनी हाँ, तो प्लीज़ माड़े व्लॉग को लाइक करना, तो अपना भी बहुत सारा ख्याल रखना, तो दुआव याद रखना। हूँ मैं रोज़ा खोली गया।